वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये देखिए छोटा सा चिड़िया पानी पी रही है। गर्मी तो हो रही है, चिड़िया को तो पानी चाहिए। साथ में हम नेचर को भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं, चाहे फूल हो, पेड़ पौधे हो, लिप्स हो, लेकिन ये तब कर पाएंगे जब हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाएंगे। तो जल्दी उठने पे और भी बहुत सारे काम ऐसे आसान हो जाते हैं हमारे लिए, जिसको हम सुबह होते ही मॉर्निंग के शुरुआत में स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि पहला टिप जो मैं दे रही हूँ, मैं सुबह उठ के पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े लोड कर लेती हूँ और उस मशीन को भी चला लेती हूँ, ताकि कपड़े जल्द से जल्द साफ हो जाए और मैं उसको जब तक धूप में डाल के दूसरा काम करूँगी, मेरा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो गया तब तक मेरा कपड़ा ही सूख जाता है। तो इससे बहुत अच्छा रहता है, दिन में हमको टाइम भी मिल जाता है कपड़ा प्रेस के लिए। और उसके बाद जो सेकंड टिप से यह मेरे बेटे का रूम सिर्फ मैं दिखा रही हूँ, बाकी दूसरे भी दो रूम है। तो यहाँ पे बेटा जब स्कूल जाता है तो बहुत सारे सामान वो फैला के इधर उधर रखता है, तो मेरा काम होता है, मेरा जो सुबह का काम होता है वो जाने के बाद मैं यहाँ पैक के उसके सारे चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक कार्डबोर्ड का DIY की थी जिसको यहाँ पे रखी हूँ, और पेन होल्डर भी, वो भी मेरे DIY है। तो सारे छोटे छोटे चीज़ें वो इधर उधर बिखर के रख देता है, तो ऑर्गेनाइजर के हेल्प से मैं वहाँ पे सबमिट लेती हूँ। और उसके पास एक छोटा सा फैन है जो गर्मी के वजह से अपने पास ही चलाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर लूँगी डस्टिंग, और जो भी बुक्स वगैरह होता है उसको लेके सेल्फ में रख लेती हूँ। साथ में उसका जो चादर वगैरह होता है उसको भी झाड़ के सही कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आने से पहले अगर उनके रूम रेडी हो जाए तो वो बहुत अच्छा भी रहता है और घर में ऐसे भी नहीं रहती। और उसके बाद जो थर्ड आइडिया है वो है कि हमारा डाइनिंग टेबल बहुत ही मैसी रहती है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के खाना भी खाते हैं, ऑफिस का काम भी टेबल है तो वहाँ पे लैपटॉप खोल के बैठते हैं, और ऐसे ही सुबह सब स्कूल ऑफिस जाने से पहले स्नैक्स का डिब्बा वहीं पे रहती है, पानी बॉटल हो गया, वो सारे चीज़ें वहीं पे फैला रहता है, तो उसको भी संभाल लेते हैं, तो हमारा डाइनिंग एरिया भी क्लीन हो जाती है। उसके लिए भी यहाँ पे मैंने लिया है कार्डबोर्ड बॉक्स का ऑर्गेनाइजर, जिससे मैंने रख लिया है सारे चीज़ें, बुक्स हो गया, टैब हो गया, और एक प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें छोटे छोटे चीज़ रख रही हूँ। यहाँ पे छोटा चार्जर हो गया, उसके वेयर हो गए, पावर बैंक हो गया, और छोटा सा मोबाइल स्टैंड है वो भी इसमें फिट हो जाती है। तो ये सारे चीज़ों को इकट्ठा करके मैं यहीं पे रख लूँगी। और ये है हार्ड ड्राइव, इसको इसमें जगह नहीं हुआ तो जो कार्डबोर्ड बॉक्स है, ऑर्गेनाइजर है, उसमें ही मैं रख दूँगी इसके। अब जब हम हार्ड डिस्क वगैरह रखते हैं तो अच्छा रहता है जब हम इसके पाउच में उसको डाल के रखते हैं, वो सेफ रहता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को मैंने साइड कर लिया। वहाँ पे मेरे इलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होता है, लैपटॉप चार्ज हो गया या फिर मोबाइल चार्ज हो गया, ईयरपोर्ट भी मेरा बेटा यहाँ पे चार्ज में लगाया हुआ है, तो ये सारे चीज़ें करना भी यहाँ पे थोड़ा ईजी हो जाती है। तो इकट्ठा सारे चीज़ को मैं साइड कर लूँगी। और इसके बाद हम टेबल को यहाँ पे क्लीन कर लेंगे, डस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें डस्ट सारे भरे रहते हैं। तो सुबह एक काम कर लो तो पूरा दिन भर और करने की ज़रूरत नहीं, हाँ ज़रूरत पड़ेगा तो बीच में एक बार कर सकते हैं, वरना ऐसे ही क्लीन रहती है। और छोटा सा कुछ फ्लावर या डेकोरेटिव चीज़ें यहाँ पे रख लेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे सॉल्ट पेपर का मैंने रख दिया है, जो हमारे छोटे कंटेनर है जिसको मैं DIY की थी, तो ये सारे बिल्कुल सही तरीके से रखने बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है, और बहुत ही अच्छे से हमारे टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है। कोई चीज़ ज़रूरत पड़ने पे वहीं से निकालेंगे और ढूंढने के लिए टाइम भी वेस्ट नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना, मेरी बेटी हो गई बहुत खुश। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप्स के तरफ चलते हैं। घर पे जो हमारे कुंभ वगैरह होता है वो थोड़ी दिन में गंदा हो जाता है, 10-15 दिन में, खास करके समर में तो और ज़्यादा हो जाती है। तो उसको क्लीन कैसे करें, इजी ट्रिक मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मैंने थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले लिया है, यहाँ पे डाल दिया है बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, साथ में कोई क्लीनिंग लिक्विड होगा आपके पास तो आप उसको डाल दीजिए। उसके बाद हमारे जो कुंभ है उस पर हम 2
2-3 मिनट्स हम इसमें इसे छोड़ देंगे, तो उसके बाद अगर क्लीन करेंगे ना आप, देखना कितना अच्छे से क्लीन हो जाती है। और ये देखिए कितना गंदा है, लेकिन 2 मिनट में मैंने इसको डाल के बस साफ़ करने के लिए निकाल दी थी, लेकिन बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है, बिलीव मी फ्रेंड्स। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके कोम कितने अच्छे से क्लीन हुए। जब ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को हम यूज़ करते हैं ना, हमारे समय के साथ साथ हम समय तो बचता ही है, साथ में हमारा हम अपने टाइम को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं दूसरे काम के लिए। तो चलिए फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टिप्स के तरफ, और वो क्या है, देखिए हम ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत से महंगे महंगे चीज़ें शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे एक प्लास्टिक का कंटेनर जो खाने के साथ ही शायद आया था, तो यहाँ पे मैं कुछ जूस बॉटल यहाँ पे रख रही हूँ, तो इसके लिए हमको कंटेनर लेने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं। इसको फ्रिज में भी डाल सकते हैं या बाहर में भी रख सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें हम रख सकते हैं, और बड़ा है तो बहुत सारी चीज़ें भी इसमें आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप्स के तरफ चलते हैं, वो क्या है, ये देखिए हमारे जो पिलो कवर्स है, जब हम चादर बिछाने के लिए लाते हैं तो हमारे मैचिंग के पिलो कवर्स हमको नहीं मिलते हैं, वो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो कैसे सही तरीके से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे, उसके लिए दोनों पिलो कवर को मैंने इकट्ठा देखिए इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। पर ये देखिए फोल्ड तो हो गई, लेकिन ये और एक चीज़ फ्रेंड्स, जो मेरी चादर है, जब मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो मैं उल्टा करके फोल्ड करती हूँ, क्योंकि जब हम इसे कहीं पे रखेंगे या फिर ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उसके ऊपर डस्ट हो जाए या कुछ हो जाए, तो उल्टा रखेंगे तो बहुत आसान तरीके से हम इसको बेफिक्र होके उसको चादर को बिछा सकते हैं, और पिलो कवर भी हमको आसानी से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप जो है फ्रेंड्स, वो है हमारे मेडिसिन के ऊपर। हमको बीच बीच में मेडिसिन को चेक करते रहना चाहिए, जो मेडिसिन एक्सपायर हो गया है उसको डिस्कार्ड कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वो चीज़ रहती है, तो जब मेडिसिन हम निकालते हैं खाने के लिए तो हमको लगता है कि मेडिसिन है, लेकिन यूज़ करने के टाइम देखते हैं कि वो एक्सपायर हो जाता है। साथ में जो मेडिसिन बॉक्स है हमारा, वो भी ज़्यादा भीड़ वाला लगता है कि बहुत सारा मेडिसिन वहाँ पे है, और ज़रूरत के जो मेडिसिन वो भी नहीं मिलती, तो इसीलिए बीच बीच में हमको जो मेडिसिन के डेट चला गया उसको फेंक देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे जो मेडिसिन जहाँ पे रखते हैं वो जगह भी बहुत क्लीन हो जाती है। टैबलेट को मैंने एक अलग से बॉक्स में रखा हुआ है, और देखिए कितना क्लीन लग रही है जब हम कोई चीज़ को फेंक देते हैं, मतलब डिस्कार्ड कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना एक्स्ट्रा मास्क रखा हुआ है, नेबुलाइजर रखा हुआ है, और हॉट वाटर का बैग वहाँ पे रखा हुआ है, कुछ कर्टन रखा हुआ है। वो सारे चीज़ जब ऑर्गेनाइज रहती है तो हमको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रात को जब बर्तन मैं करती हूँ तो सारे लंच बॉक्स हो गया, बच्चों के टिफिन हो गया, टिफिन तो मैं शाम को कर लेती हूँ, लंच बॉक्स हो गया, फिर बर्तन रात को के लिए जो भी निकलते हैं उसको मैं साफ करके रखती हूँ, ताकि सुबह जब हम किचन में जाए एंटर किए तो हमको किचन एकदम साफ सुथरा मिले और काम करने को मन भी करे। और देखिए यहाँ पे और क्या करती हूँ, मेरे पास एक ये माइक्रोफाइबर वाला जो क्लॉथ आता है, टॉवल है, वही है, उससे बहुत अच्छे से हम इसको पोंछ सकते हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं रहती, बहुत अच्छा रहता है। तो इसको भी मैं पोंछ के बर्तन को सारे रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट ट्रैक के लिए वो बिल्कुल क्लीन रहे और बिल्कुल पानी भी ना रहे। साथ में जो बर्तन धो के जहाँ पे रखी थी वो वाले एरिया को भी मैं अच्छे से रात को ही क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन साफ करने के बाद, धोने के बाद सारे अपने अपने जगह पे उसको मैं रख दूंगी, उसके बाद यहाँ पे क्लीन कर लूंगी। और यहाँ पे देखिए कुछ कप्स वगैरह है जो जिसको पोंछ नहीं पाती हूँ, उसको उल्टा करके यहीं पे रख देती हूँ ताकि सुबह तक वो ड्राई हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिप जो टिप्स है वो है कि हमारे पास कुशन कवर एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, और चादर रात को तो हमको चाहिए होता है, जब एसी वगैरह चलाते हैं तो थोड़ी सी ठंड तो लगती है, दिन में तो नहीं चाहिए होता है, उसको रखने के लिए भी हमको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत है, बेड के ऊपर ऐसे नहीं रख सकते।
तो हम क्या करेंगे, हमारे जो एक्स्ट्रा कुशन कवर है उसके अंदर हम हमारे जो भी चादर हो गया या फिर ऐसी ब्लैंकेट हो गया उसको फोल्ड करके इसमें डाल देंगे, ताकि हमारे जो स्पेस है वो भी वो रह जाएगी। साथ में हम इसको आराम से यूज भी कर सकते हैं, हमारे टाइम भी सेव हो जाएगी। रात को सोते हुए जब एसी के लिए ब्लैंकेट ढूंढेंगे तो आसान तरीके से हमको मिल भी जाएगी। देखिए ना, बहुत ही इजी ट्रिक और क्विक ट्रिक जिससे हम घर को भी सुंदर कर सकते हैं, साथ में हमारे टाइम को भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टिप जो है वो है 10th नंबर। उसमें मैं आपको बताऊं कि जो हम गुड़ लाते हैं खाने के लिए, कुछ दिन बाद होता क्या है ना, गुड़ में फंगस हो जाती है तो यूज़ करने लायक भी नहीं रहती, खाने लायक नहीं रहती। तो उससे हमारे गुड़ को बचाने के लिए अगर हम इसको टिश्यू पेपर में रैप करके रख देंगे तो गुड़ बहुत दिन तक रह सकते, चाहे हम फ्रिज में रखें या फिर हम बाहर ही रखें। जब हमको ज़रूरत होगा तो हम इसको खोलेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे, यूज़ करेंगे, फिर से रैप करके रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी ट्रिक्स को यूज़ करते हैं, अगर वो आपके काम में आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपके लिए ऐसे नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आऊँगी। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।